झीलें तो आप लोगों ने काफ़ी देखी होगी, लेकिन आज मैं आपको ले जाने जा रहा हूँ उत्तराखंड के देवभूमि रामलीला मंच पे। तो गाइज़ अभी मैं हूँ ईस्ट दिल्ली के बद्रीनाथ पार्क में, सामने की तरफ है पार्क, देखिए। तो यहाँ पे होता है उत्तराखंड का भव्य रामलीला मंचन, जिसमें उत्तराखंड के कुमाऊँ और गढ़वाल रीजन के कलाकार शामिल होते हैं। तो गाइज़ आपने रामलीला तो बहुत देखी होंगी, क्या आपने ऐसी रामलीला देखी है? यहाँ पे हो रहा है मेकअप, देख सकते हैं मेकअप आर्टिस्ट काफ़ी अच्छा मेकअप हो रहा है इनका, चौधरी जी का मेकअप हो रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं। ये राम लक्ष्मण, मैं राजेंद्र सिंह नेगी, मुझे यहाँ कम से कम 45 साल से मैं रामलीला कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छी रामलीला यहाँ पे, मैं अयोध्या विदेशों में भी काफ़ी टूर किए हैं और अब मैं यहाँ अपने कुमाऊँ रामलीला के लिए यहाँ पे मेकअप भी कर रहा हूँ, डायरेक्शन भी है, कोरियोग्राफी भी। जी जी, कोरियोग्राफर भी है। मेरा नाम सुशांत कुवरेती है, मैं अंगद की भूमिका में हूँ और यहाँ 4-5 साल से रामलीला कर रहा हूँ और 4-5 रोल भी करता हूँ मैं यहाँ पे, मतलब जो भी, मतलब यहाँ पे कोई नहीं करता, इंटरेस्टेड नहीं होता तो मुझे यहाँ भेजा जाता है। तो काफ़ी अच्छी रामलीला हो रही है। हाँ, काफ़ी अच्छी रामलीला हो रही है और हमारे डायरेक्टर सर इस बार हमारे साथ जुड़े हैं पहले साल। मेरे साथ में हनुमान जी, ये रोल मैं 6-7 सालों से कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छी रामलीला यहाँ पे होती है। मेरे साथ में रावण जी यहाँ पे, जो कि इनका रोल काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है इस पूरे रामलीला में, कहेंगे इनका रोल काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। सर कितने टाइम से कर रहे हैं आप इस रोल को? रावण का रोल करते हुए मुझे 20 साल हो गए। शंकर के कर लेंगे यदि छोकरे हर एक काम को, तो दुनिया में कौन जानेगा रावण के नाम को। रावण के लिए तैयारी हो रही है। मेरा नाम प्रदीप सिंह है। ये दशरथ का रोल भी करते हैं, अही रावण का भी करते हैं हमारी रंग का, और दशरथ का रोल इनका बहुत बेहतरीन होता है, बहुत अच्छा करते हैं। कितने साल से कर रहे हैं सर आप? 2014 से। असिस्टेंट मेकअप आर्टिस्ट हैं, नाम क्या है? हर्षिता शर्मा। अच्छा लग रहे हैं पे? काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, मैं मतलब बाहर भी देखती हूँ यहाँ पर भी देखती हूँ, तो सबसे बहुत ही अच्छा, सब इतना परफेक्शन के साथ, और सर ने सब डायरेक्शन किया है, कोरियोग्राफ किया है, और मैं सर से जब मैं छोटी थी 3 साल की, तब से सर के साथ सीख रही हूँ। जो वॉइस होती है ना, मेन ऑडियो जो होती है जिसको बोल सकते हैं, पूरा रोल क्रेडिट इन टीम को जाता, पूरा टीम वर्क होता है इसमें, देख सकते हैं। मेरा नाम प्रकाश जुयाल है। जी जी। और मैं काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ रामलीला से, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के रामलीला देखकर, अपनी उत्तराखंड की पुरानी यादों को, बचपन की यादों को तरोताज़ा हो गई है। तो ये जो साउंड आप क्रिएट करते हैं रियल टाइम इसी से करते हो या फिर रिकॉर्डेड भी होती हैं? कुछ रिकॉर्डेड भी होती हैं, मिक्स। बढ़िया सर, बढ़िया। मेरे साथ में नेगी एंड फैमिली, पूरी फैमिली इनकी आई हुई है, ये इनकी सिस्टर हैं। ये राशि है, दिव्यांशी, देवांशी, 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 जय श्री राम, जय श्री राम। और ये तमन्ना मेरी भांजी है, तमन्ना इनकी भांजी है। और अच्छा लगा आपसे मिल करके, और रावण से मिल करके। रावण जी का रोल तो काफी दमदार है, बहुत दमदार, बहुत जबरदस्त कड़क इनकी आवाज है, अच्छे तो डर जाएंगे इनकी आवाज। अभी अभी अंकल जी ने मेकअप कर रखा है ना, तो काफी ज्यादा वो टाइट हो रखी है मुझे, तो इसीलिए वो बोल नहीं पा रहे, वरना वो कहते हर हर महादेव। तो अच्छा लगा मुझे, थैंक यू सर। बहुत मेहनत करते हैं यहाँ पर लोग यार, मेकअप करना ना, और उसको डायलॉग्स याद करना, इतने लोगों के सामने बोलना, ये आसान नहीं है, काफी मुश्किल है। इसके लिए सैल्यूट है, सैल्यूट है पूरी टीम, बहुत मेहनत करते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ आए, अच्छा लग रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और भाई मेहनत कर रहे हैं, ऐसे करते रहना। छाया है।
मैं भावन हूँ। सिरे को गांव बंदर का पैर खा के लंका के बाहर फेंक दो। मेरी तरफ देखिए, मैं अपना जोहर दिखाता हूँ। इस बानर का पैर देखिए मैं कैसे उठाता हूँ। मेरा पास चले तो इसके तीन चार टुकड़े बनाता हूँ। अरे ओ मूर्ख बानर, मैं तेरी हो जाता हूँ। अपनी महाशक्ति का परिचय दो। जो आपके पिताजी, पिताजी जय शंकर की जय। शंकर के चला गया जिस जमीन पर, चला गया जिस जमीन पर भूचाल हुआ आएगा। जमीन को एक तरफ बर्बाद भी को जाएगा। लगता है बंदर कुछ जादू टोना करके आया है। कर भूमि में देखा जाएगा आज तुम्हारी शक्ति को छिड़िया चल गई क्या। हम मिलकर इसका पैर उठाओ और लंका के बाहर फेंक दो। जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम। हुआ है क्यों दीवाना, हो से तू अपने आ रहा मेरे चरणों में तू ना जीवन के सहारे आंखें तो खोल लो भैया। छप्पे के लहर उठे जाऊंगा और माता जी मुझसे तुम्हारे बारे में पूछे मुक्ति कांगा भैया। अब मुझे कौन भैया क्या क्या पुकारेगा सुग्रीव जी। धैर्य रखिए भगवान, धैर्य धारण कीजिए प्रभु। इस प्रकार रोने से लक्ष्मण जी तो जीवित नहीं हो जाएंगे। कैसा धैर्य हनुमान जी, मेरा धैर्य तो सारा मिट्टी में मिल गया। तू चल रहे हो क्या अंदर में हो, मैं बनते हो क्या हिमालय में हो, चाहे ब्रह्मा से कम में हो। यहाँ तो मानव सैकड़ों भी एक साथ प्रचलित हो। लगता है यही सजीवनी भूमि है। सुग्रीव जी, हनुमान जी को इतना अधिक समय क्यों लग रहा है। सूर्योदय किसी भी समय हो सकता है। दादा
युद्ध भूमि से यहाँ कैसे आ गया? लक्ष्मण, तुम ईश्वर को धन्यवाद करो और आप इसी प्रकार की ही चिंता ना करो। आओ विश्राम करो भैया। Oh,
चलिए आदर्श बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है। इसका रोल ज्यादा अच्छा लगा हनुमान जी का। हनुमान जी का जय श्री राम बोलो। जय श्री राम।